दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। दर्शकों आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और मैं हूं जिशान आजमी। एक स्कूल का बच्चा मिला है जो फिफ्थ सी में पढ़ता है। उसने हमसे क्या बात की हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। अभी वो लड़का अच्छा अभी ट्यूशन पढ़ रहा है। अभी वो सब काम जो कर रहा था पहले वो नहीं कर रहा है, लेकिन पहले क्या करता था वो हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। मैं दिशा आदमी खबर फेस्ट में मुंबई। दर्शकों ये बच्चा है, ये बच्चे से हम बात करेंगे। ये फिफ्थ सी में पढ़ता है, स्कूल का बच्चा है। इससे बात करेंगे नशे के टॉपिक पर, क्या कहना चाहता है आइए सुनते हैं। आपका नाम बताओ। शेख। हाँ आपका नाम बताओ। रब्बानी। फिफ्थ सी में पढ़ते हो ना? फिफ्थ बी। अच्छा आप नशे का सामान बेचते हो? यस। कितने लोगों को बेचते हो? एक। स्कूल में कहाँ से लाते हो नशे का सामान? मंदिर। हाँ कहाँ से लाते हो? मंदिर के पास से। कौन देता है, कौन है सामान, कौन देता है? बाबू टोपी। आप क्या करते हो? हम अभी माल घर पे माल बनाते हैं। काहे का माल? झाड़ने वाला। झाड़ने वाला। और नशे का सामान भी बेचते हो तुम? कहाँ से लाते हो नशे? मंदिर के पास। क्या नाम है उसका? बाबू टोपी। उसके बीबी का याद नहीं है। तो नशा ला के क्या कहाँ कहाँ बेचते हो? सेवाची से समीर के भाई के पास। वहाँ से लाते हो और बेचते कहाँ पर? समीर के भाई के पास बेचते हो। कितना पैसा मिलता है? 10 रुपया। वो 10 रुपया मिलता है? तो स्कूल पढ़ते भी और नशा भी बेचते हो। घर वाले को मालूम है? हाँ। किसको मालूम है? मेरी अम्मी अब्बा। क्या मालूम है? मैम बोले गांजा ला के देते। मेरा अम्मी को मालूम है। मालूम है तो मालूम है, फिर भी मतलब मना नहीं करते? मना करते, आप नहीं ला के देते। अभी नहीं ला के देता है, अभी पढ़ता है, अच्छा काम कर रहा है। ट्यूशन आता हूँ रात में। हा? रात में ट्यूशन आता हूँ। ट्यूशन आता है तो यहाँ और कौन कौन बच्चे लोग स्कूल के बच्चे लोग लेते हैं नशा? हाँ। कितने बच्चे हो? बहुत है। रिहान एक ही जन लेता फिफ्थ बी में। अच्छा सब नशा करते हो ना? वो लोग करते, मैं नहीं करता। अच्छा स्कूल में करते हैं? वो लोग स्कूल में वो भी लाते गुटखा उटका वो लोग। हम कहना चाहिए रिहान जी ला के देते हैं। ठीक है, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और ये सब नशा बेचना बहुत बुरी बात है, ये सब नहीं करना आप। हाँ ठीक है मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मालवनी में जगह जगह बच्चे लोग नशा कर रहे हैं, इस विषय पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलती हूँ मालवनी तो नशा का एक हब है और हर एक छोटा बच्चा बड़े लोग नशा करते, पानभरा खाते और आर के वगैरह जैसा गुटखा खाते और ये लोग को ब्रेकफास्ट जैसा है ये गुटखा। जो आर के जो प्रोडक्ट है जो कॉमनली ये पब्लिक को आम जनता के लिए ब्रेकफास्ट है मेरे हिसाब से। सुबह बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? बच्चों को ये बहुत भयानक बात ये मैं बोलती हूँ, ये बच्चों को ये लोग को ड्रग्स जो एडिक्टेड पीपल जो है बच्चों को इस्तेमाल करते हैं वो लेके आने के लिए। वो मेरा भी पहचान के एक बच्चे गए, वो बोलते पुड़ी पुड़ी लेके आने के लिए बोलते, अंकल बोलते पुड़ी लेके आओ। तो पुड़ी क्या है? तो ये ड्रग्स मटेरियल है। क्यों? ये जो ड्रग्स यूज़ करने वाला पिक्चर में नहीं आते, ये लोग को बच्चों को इस्तेमाल करते, तो ये बहुत दयनीय बात है। ये बच्चों जा ला के देखे देखे बच्चे भी आदत हो जाते हैं। और मालवनी के बच्चे को हम लोग देते हो एक से एक टैलेंट है, एक्सेंट में तो बच्चे लोग इतना टैलेंटेड है, उनको स्पोर्ट्स में बोलो, उनको एक्टिविटीज़ में बोलो, उनका साइंस में बोलो,
तो डाइवर्ट करने वाले, उनको प्लेटफॉर्म देने वाले गवर्नमेंट आगे आना चाहिए। जब तक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो बच्चे लोग ऐसे अडिक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट भी आगे आके इसके लिए एक फुल स्टॉप करना चाहिए, और ड्रग्स का जो फ्लो उसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट, बीएमसी, हेल्थ डिपार्टमेंट सब आगे आके इसके लिए एक फुल स्टॉप नहीं किया तो आने वाला, अभी तो ऐसे ही फ्यूचर ख़राब हुआ, तो आने वाला में दिन में बहुत बहुत बुरा हाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने।